अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हो और अभी तक आपने YouTube से कोई भी अर्निंग नहीं की तो आज का वीडियो मिस मत करना। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी पेस्ट वर्क है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। अपने YouTube, Facebook, TikTok जहां से भी आपको कोई पॉपुलर वीडियो मिलती है आप उसको री अपलोड करके यूट्यूब से जो ना वो अर्निंग करोगे। अब आप सोच रहे होगे कि हम वहां से अपलोड करेंगे तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में अगर देखने के बाद आपको लगा कि हाँ भाई इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ सकती है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं अपना चैनल छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप जो भी पॉपुलर वीडियो अपलोड करोगे अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक इंडिया का चैनल बता देता हूँ जो यही काम कर रहे हैं और जो ना वो यहाँ से अर्निंग भी कर रहे हैं। आप लोगों के सामने मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो चैनल दिखाता हूँ, यहाँ पे व्यूज कितने आ रहे हैं और उस पर अर्निंग कितनी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये एक चैनल है, यहाँ पे ये चैनल देख लीजिए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, पॉपुलर वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए पॉपुलर वीडियोज को कितनी, 40 मिलियन के करीब है, 27 मिलियन, ये देखिए 16 मिलियन, 13 मिलियन, 13 मिलियन, 10 मिलियन, इतने व्यूज आपके सामने, आंखों के सामने ये देख सकते हैं कितने व्यूज आ रहे हैं। और लेटेस्ट व्यूज की बात की जाए तो ये देखिए 156,000 व्यूज, 2,28,000 व्यूज, 4,66,000 व्यू, ये देखिए 5 लाख व्यू, 6 लाख व्यू, 8 लाख व्यू, 1 मिलियन व्यू, मतलब लेटेस्ट में भी मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और ये वीडियो किस तरीके की बना रहे हैं, मतलब कोई भी पॉपुलर वीडियो होती है ना वो उसको उसको जो ना वो एडिटिंग इस तरीके से करता है कि इसको कोई कॉपीराइट क्लेम या कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ ही नहीं सकती। सबसे पहले इसकी वीडियोस में आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये वीडियो किस तरीके की अपलोड कर रहा है। यहाँ पे दिखाती हूँ क्या, ये इस तरह का प्रधानमंत्री का भी देखा है आपने, जो ऐसे लगता है कि वीडियोस की दिखाता हूँ। ये देखिए ये वीडियो, पापा यहाँ 2024 का चुनाव होने वाला है, ठीक है। नेता लोग सब भयंकर डरा हुआ है, अब हम यहाँ आपको दिखाएगा राम का बिजनेस, ठीक है। हम दिखाते हैं, आ जाओ देखिए, ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन, ये देखिए ये बीच में, ये मंदिर, मतलब इसको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आ रहा। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं सबसे पहले इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ, तो आपको मैं यहाँ पे इसकी जो ना वो अर्निंग वगैरह चेक करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली सोशल ब्लेड पे जाता हूँ, ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका लिंक पेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने कि ये अर्निंग कितनी कर रहे हैं। आप लोग सबसे पहले इसकी अर्निंग चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, आपने चैनल का नाम तो पढ़ लिया था ना, अभी देखिएगा ये सर्च हो रहा है, ये देखिए यही नाम है, $13,000 से लेके $2,14,000 तक महीने की अर्निंग कर रहे हैं और 100% मोनेटाइज्ड है। और जिसने लास्ट इस मंथ में जो है ना वो 70,000 सब्सक्राइबर इसने गेन किया, मतलब इस मंथ में इसने 70,000 सब्सक्राइबर इसने अपने चैनल पे लिए, आप लोग सोच सकते हो। और वीडियोस कितनी अपलोड की है, सिर्फ 280 वीडियोस, मतलब 280 वीडियोस अपलोड करके इसने इतने ज्यादा सब्सक्राइबर और जो ना वो अर्निंग आप लोग देख सकते हैं कितनी अर्निंग ये कर रहा है। अगर $13,000 को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करो ना तो ये तकरीबन कोई 30 से 32 लाख रुपए महीने का बनता है दोस्तों। आप लोग सोच भी सकते हो कि यार ये इतनी ज्यादा अर्निंग और इतना आसान काम करके वीडियोज किसी और की और अर्निंग इसकी, यार बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन आपको दिमाग लड़ाना होगा, आपको चीज समझनी होगी कि आखिर ये काम हम कर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे सारा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। इसने लेटेस्ट वीडियो से कितनी अर्निंग की है, ये देखिए $361 से लेके $5,000 तक महीने की अर्निंग की है एक वीडियो से, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए ये सब कुछ इसने बता दिए कि ये कितनी अर्निंग महीने की कर रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियोस आपको बनाना सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, सिर्फ इस वीडियो को यहाँ से आगे मिस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप किसी की भी वीडियो, कोई भी पॉपुलर वीडियो, कोई भी ट्रेंडिंग वीडियो, जो मतलब कोई भी ट्रेंडिंग, हर चीज ट्रेंडिंग में चल रही होती है, कोई ना कोई चीज ट्रेंडिंग में चल रही होती है। आपने सिर्फ रेगुलर रहने, आपको पता होना चाहिए कि टिकटॉक पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है, स्टैम्प पे मतलब यूट्यूब पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है, इंडिया में क्या चीज ट्रेंड कर रही है, पाकिस्तान में क्या चीज ट्रेंडिंग में, मतलब कोई भी चीज ट्रेंडिंग में हो सकती है। यार अभी ड्रामास चल रहे हैं, पाकिस्तानी ड्रामास इतने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जैसे इश्क मुर्शिद ड्रामा है वो कितना ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके अलावा कोई मूवीज वगैरह ट्रेंडिंग में, जो न्यू मूवीज वगैरह आती है, अभी सिद्धू मूसेवाले का गाना नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें ट्रेंडिंग में चलती है। आप कोई भी चीज लगा सकते हो, लेकिन उसमें जो एडिटिंग करोगे ना वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। जब तक आपकी एडिटिंग प्रोफेशनल नहीं होगी आपको स्ट्राइक भी आएगी, आपको क्लेम भी आएगा। जो तरीका मैं बताऊंगा इस तरीके से आप सिर्फ अप्लाई करके देखो, 2-3 वीडियोस अपलोड करके वैसे मेरे कहने पे अपलोड कर लो, इससे अर्निंग ना करो, कुछ भी ना करो, अब सिर्फ मेरे कहने पे वीडियोस अपलोड कर लो 2-3, जिस तरीके से मैं बताऊंगा। अगर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, कोई कॉपीराइट क्लेम आ गया मेरे चैनल पे, इसके बाद अपना बताना, मुझे अनसब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में बेशक गाली देके चले जाना, ठीक है। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा, अगर मुकम्मल वीडियो को पूरा देखना और उसी तरीके से काम करना, अगर आपको स्ट्राइक आ गई तो फिर मुझे कहना। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, बिना वेस्ट की टाइम आपको सब कुछ बताता हूं, अपने पॉपुलर वीडियोस कौन सी डाउनलोड करनी है, कहां से डाउनलोड करनी है और उनको एडिटिंग किस तरीके से करनी है और उनको टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा के अपलोड किस तरीके से करना है। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, बिना वेस्ट की टाइम, लेट्स गो।
जी हाँ दोस्तों, हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने कोई भी पॉपुलर वीडियो या कोई भी अच्छी सी वीडियो जो बड़ी पॉपुलर हो वो आप डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देखिए, अभी यश मोर्शद ड्रामे की किस्त आई हुई है, ये एपिसोड आई हुई है, ठीक है, एक हॉर्स पे ले आई और 2.2 मिलियन यहाँ पे व्यूज़ ले गई है। तो इस तरह के अगर पॉपुलर ड्रामास पे आप काम करते हैं, मूवीज़ पे काम करते हैं, सॉन्ग्स पे काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो ना वो व्यूअरशिप देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ये ऊपर आल के साथ एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करके ट्रेंडिंग पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे भी आपको सब चीज़ बता देगा कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। देखिए यहाँ पे जो है ना मैच, पाकिस्तान में मैच, PSL का मैच जो है ना वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक जो है ना वो गाना है, आई थिंक सॉन्ग है जो PSL का, ये भी अभी ट्रेंडिंग में है, ठीक है। इसके अलावा ये एक शॉर्ट ट्रेंडिंग में, ये मिस्टर बीस्ट का शॉर्ट ट्रेंडिंग में, मतलब कोई भी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको सबसे पहले अपने डाउनलोड कर लेना है, गैलरी तक ले आना है, उसके बाद किसी भी एडिटिंग ऐप में आ जाना है, ठीक है, एडिटिंग ऐप में आ जाना है, ठीक है। अभी मैं सिंपली कोई भी एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको सिंपली जो है ना वो इन शॉर्ट में सिखा देता हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट को ओपन करने के बाद वीडियो पे क्लिक करोगे, उसके बाद इसको क्रॉस कर दोगे, वीडियो पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अभी जो वीडियो डाउनलोड की होगी ना आपने वो सिंपली ऐड कर लेनी है। मैं भी कोई सी भी वीडियो वहाँ से कोई भी अच्छी सी वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको ऐड कर लेता हूँ। मैंने एक देखी ये वाली एक जो है ना वो डाउनलोड कर लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर लॉन्ग वीडियो पे आप डाउनलोड करोगे तो फिर फ्रेम में जाके ना आपने सिंपली, सॉरी मैं बेक आ जाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले कन्वेव्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपने यूट्यूब साइट सेलेक्ट किया होगा तो आपने सिंपली टिकटॉक का साइट सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, ओके हो गया। उसके अलावा अब इसको सिंपली आपने क्या करना है, थोड़ा सा दोनों हाथों से पकड़ के इस तरीके से जूम कर लेना है वीडियो को, ठीक है। जूम करने के बाद इसे इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है, थोड़ा सा आगे आना है, आपने आगे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप का, ठीक है। ये फ्लिप का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखिए साइड चेंज हो जाएगी, पहले ये साइड थी अभी ये साइड होगी, मतलब पूरी वीडियो जो है ना वो अलग हो चुकी है। इसके अलावा मतलब आप यहाँ पे फिल्टर पे आके कोई फिल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लेने जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छे लगे तो आपने सिंपली कोई भी लगा लेना है। मैं सिंपली कोई सा यहाँ पे जो है ना वो एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसको ब्राइटनेस वगैरह कम करके इस तरीके से आपने कर लेनी है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इस पूरी वीडियो को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिलेगा स्पीड का, तो आपने थोड़ी सी मामूली सी इसकी स्पीड बढ़ा देनी है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ स्पीड, इस तरीके से आपने स्पीड बढ़ा दी। अभी मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हो गया, ठीक है। मतलब एक दो सेकंड जैसे ये बोलेगी ना, मैं अभी एक दो सेकंड पहले के लिए प्ले करता हूँ। अभी यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, देखिए असलम, ठीक है, इसने आतफ असलम बोल दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और इसको स्प्लिट कर देना है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा स्प्लिट का। दो सेकंड से ज़्यादा क्लिप आपने नहीं रहने देना, मतलब सीधा नहीं चलने देना, ठीक है। दो सेकंड के बाद क्लिप को जो ना वो स्प्लिट कर लेना। अभी मैं दूसरा जो ना वो पार्ट बना लेता हूँ इसका, यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे भी स्प्लिट कर लेता हूँ इसको वीडियो को। अभी स्प्लिट करने का मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपने एक चीज़ क्या ऐड करनी है, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बोल रही है ना, एक दो सेकंड के लिए ये बोलेगी तो आपने उसके लिए उसके बाद कट कर लेना। इसी तरह से हर वीडियो को आपने जो भी वीडियो ऐड करनी होगी ना उसका आपने यही कर लेना। उसके बाद आपने दोस्तों करना कि आपने सिंपली क्रोम में आ जाना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने मीम तरीके से डाउनलोड करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली दोस्तों यहाँ पे लिखना है मीम्स, ठीक है, मीम्स डाउनलोड, डाउनलोड, ये मीम्स डाउनलोड लिखोगे आप सिंपली, तो ये वाली फप्स वाली वेबसाइट, ये रेड कलर का लोगो लगा हुआ है, तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, इसमें आपको ढेरों हज़ारों जो है ना वो मीम्स मिल जाएंगी, जो ट्रेंडिंग मीम्स इस वक्त चल रही है ना सोशल मीडिया पे, वो मीम्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर इन मीम्स को आप यूज़ करोगे तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। ये देखिए, ये एक मीम चल रहा था आजकल ट्रेंडिंग में, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए ये वाला, ये सारे मीम्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे मीम्स आ चुके हैं। ये देखिए जो जो बंदे, जो जो मीम्स ट्रेंडिंग में है सारे यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब बेतहाशे यहाँ पे मीम्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए ये वाले मीम्स, मतलब बहुत सारे हैं। जो भी आपको डाउनलोड करना वो आपने सिंपली वो डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी थोड़े से डाउनलोड करके रखे हैं, तो मैं एडिटिंग ऐप में ही आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं ही आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी पहला पार्ट मैंने काटा था ना, तो यहाँ पर ये क्या बोल रही है, पहले आपने इसको गौर से सुन लेना है। आतफ असलम, तो इसने बोले मैं आतफ असलम बहुत क्रश है मेरे पे, ठीक है, तो मैं इसको जो है ना वो यहाँ पे इस तरह का मीम लगाऊंगा जो इससे रिलेट कर रहा हूँ। मैं सिंपली एक ऐड यहाँ पे मीम ऐड कर लेता हूँ अपनी गैलरी से, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला मीम ऐड कर लिया। ये अभी देखिएगा, मैं जब से प्ले करता हूँ ना, तो आतफ असलम, अच्छा, ठीक है, ये देखिए,
यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके बाद दूसरा मीम इस पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके, वीडियो पे क्लिक करके दूसरा मीम मैं ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा मीम भी ऐड कर लिया, ठीक है। अभी मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली आप प्ले करके ये देखिएगा, तो ये जैसे बोलेगी ना, अच्छा लगता है। अबे साले, मतलब देखिए इस तरह से आपने थोड़ा 2 सेकंड के बाद स्प्लिट करके बीच में मीम लगा लेना है। जब ये सारी चीज़ें आपने मीम्स लगा लिए, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करके रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। बेशक आपने बोलना कुछ नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड की जो नॉइस होगी ना, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। मतलब थोड़ा सा जैसे कोई हवा चल रही है थोड़ी सी, मतलब ताकि बैकग्राउंड से हल्की हल्की नॉइस आ जाए, मतलब जो ओरिजिनल वॉइस हो ना इस वीडियो की, उससे जो है ना वो वीडियो मुख्तलिफ हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने कर ली पूरी पे वीडियो पे, ठीक है, करके उसके बाद आपने बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो कोई मसला नहीं है। इस तरह की वीडियोज़ में म्यूज़िक की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ना वो फुल वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, एडिट कर लेनी है, उसके बाद जाके यूट्यूब पर अपलोड करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको ना तो स्ट्राइक क्लेम आएगा और ये आपकी वीडियो भी जो है ना वो वायरल होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये फेमस पर्सनैलिटी होती हैं, फेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो इनकी वीडियोस जिसके सामने भी आती है वो शौक से देखते हैं और जो ना वो स्किप नहीं करते और उनको इंटरेस्ट होता है इन चीज़ इन मतलब वीडियोस में, तो आपकी वीडियोस 100% वायरल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ चुकी होगी और जो है ना वो सारी बात समझ आ चुकी होगी। अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं।